नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं मानसी रंगदल इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। पीएम मोदी ने किया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। 100 करोड़ टीकों का जश्न मनाएगी बीजेपी। कल गुरुवार को गाजियाबाद में जेपी नड्डा स्वास्थ्य कर्मियों का करेंगे सम्मान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन को तैयार। बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कही ये बात। आगरा जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदुओं की रक्षा करे शेख हसीना सरकार। बांग्लादेश हाई कमीशन पर VHP का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में एक युवती ने भेदभाव से तंग आकर अपने पूरे परिवार को जहर देकर मार दिया। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस परिवार की मौत रात के खाने में पाए जाने वाले जहर से हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावणगेरे में एक 17 वर्षीय युवती को कुछ समय से अपने परिवार में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। लड़की को पढ़ाई न करने पर मारा पीटा गया और खेतों में काम करने भेज दिया गया। उसे लगा कि उसके परिवार के लोग इसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। इससे तंग आकर युवती ने एक रात पूरे परिवार के लिए खाना पकाया और उसमें जहर डालकर खिला दिया। उसके माता पिता, छोटी बहन और दादी खाना खाकर मर गए, परंतु उसके बड़े भाई की जान बच गई। यह घटना जुलाई में हुई थी, परंतु 3 महीने बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कहा कि ये दशकों की आकांक्षाओं और प्रयासों की अभिव्यक्ति है। खास बात है कि श्रीलंका से पहली फ्लाइट आज सुबह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें एक हाई लेवल डेलीगेशन आया। श्रीलंका के इस डेलीगेशन में मंत्रियों समेत बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि लुम्बिनी सारनाथ और बौद्ध गया जैसे अन्य बौद्ध स्थल कुशीनगर से थोड़ी दूर पर है, जिन्हें बौद्ध सर्किट से एक साथ जोड़ा गया। भारत ने हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार किया है और आने वाले सालों में भारत में 200 और हवाई अड्डे होंगे। नगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी वैक्सीन खुराक का आंकड़ा कल गुरुवार 21 अक्टूबर को 100 करोड़ को पार कर जाएगा। इस मौके को बीजेपी ने जश्न के तौर पर मनाने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गाजियाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर रहेंगे और वहां स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का कहना है कि इस दिन पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी देश भर में इससे संबंधित सेवा कार्य में जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि जहां पर रहेंगे वे उस जगह के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े लोगों का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और अन्य लोगों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए भी पिक और ड्रॉप की सुविधा बीजेपी की ओर से दी जाएगी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ आ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अब भाजपा ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने की घोषणा की है। इस बारे में बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बीजेपी तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हालांकि इस बारे में संसदीय बोर्ड ही फैसला कर सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हितों के मुद्दों पर जब उन्होंने कोताही बरती तो हमने विरोध किया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा की बात आई, सीमा की सुरक्षा की बात आई तो हम उन्हें शाबाशी भी देते रहे हैं। वे सैनिक रहे हैं, हम मानते हैं कि अमरिंदर सिंह अच्छे देशभक्त हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगरा जाने के दौरान यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस हिरासत में एक सफाई कर्मी की मौत के मामले में प्रियंका मारे गए शख्स के परिजनों से मुलाकात करने आगरा जा रही थी, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था। यूपी पुलिस का कहना है कि प्रियंका को इसीलिए रोका गया क्योंकि उनके पास जरूरी इजाजत नहीं है। आगरा की इस घटना को लेकर प्रियंका ने एक ट्वीट करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहाँ का न्याय है। आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन यूपी सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्यवाही हो व पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रोशनी एक्ट का लाभार्थी बता दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में महबूबा के अलावा फारूक अब्दुल्ला को भी एक आरोपी करार दिया। अब सत्यपाल मलिक के बयान ने महबूबा को नाराज कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात कह दी है। महबूबा ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे रोशनी एक्ट का लाभार्थी बताना शर्मनाक है। मेरी लीगल टीम उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। उनके पास अपना बयान वापस लेने का विकल्प खुला है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बिदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को पहुंची क्षति के लिए दिल्ली सरकार ने प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टर 50,000 रुपए की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्व अधिकारी बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और यह काम 2 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएगा। 2 महीने के भीतर ही प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व में भी उसने किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से मुआवजा दिया है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के चलते विहिप के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में आज संगठन ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। सुरेंद्र जैन ने मांगा कि बांग्लादेश की सरकार वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार रोके और दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा ये प्रदर्शन तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने भारत सरकार से भी कड़ी कार्यवाही की मांग की। बांग्लादेश हाई कमीशन में ज्ञापन सौंपने के बाद विहिप महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हाई कमिश्नर छुट्टी पर चले गए हैं, इसीलिए एक जूनियर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने वाले अधिकारी से संगठन ने कहा कि ये गलत है, वहाँ लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये सब रुकना चाहिए।
झारखंड के धनबाद में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से महिलाएं एवं नवजात को उठाकर चलते बनी उसकी यहां करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। दोनों महिलाओं के इस दुस्साहसिक कदम से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। दूसरी तरफ नवजात बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में बच्चा चोर महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद अस्पताल में लचर सुरक्षा का मसला एक बार फिर से उजागर हुआ है। इसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इससे पहले भी अस्पताल में सुरक्षा में लापरवाही के कारण विक्षिप्त महिला तथा एक अन्य महिला से दुष्कर्म के प्रयास की घटना हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव स्टार दी व्हाइट टाइगर फेम एक्टर आदर्श गौरव के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। वहां स्कॉट जेड बर्न्स की क्लाइमेट चेंज एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज एक्सट्रापोलेशन में नजर आएंगे। इस फिल्म में वहां अमेरिकी एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप, डेविड श्रीमर, किट हैरिंगटन और जिम्मा चैन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। यह सीरीज प्लेनेट में बदलावों की वजह से प्यार, परिवार, व्यक्तिगत स्तर पर और बड़े मानवीय स्तर पर काम के प्रभावों के बारे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस चौथे समन के बाद कुछ देर पहले प्रवर्तन निदेशालय के MTNL दफ्तर पहुंची। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ वसूली मामले में जैकलिन को किया था समन। ईडी ने जैकलिन से 3 साल की उनकी बैंक स्टेटमेंट और डेबिट क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट साथ लाने को भी कहा था। बता दे, इससे पहले ईडी की टीम पिछले 4 बार से जैकलिन से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईडी की पूछताछ में जैकलिन शामिल नहीं हो पा रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने किया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। 100 करोड़ टीकों का जश्न मनाएगी बीजेपी। कल गुरुवार को गाजियाबाद में जेपी नड्डा स्वास्थ्य कर्मियों का करेंगे सम्मान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन को तैयार। बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कही ये बात। आगरा जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदुओं की रक्षा करे शेख हसीना सरकार। बांग्लादेश हाई कमीशन पर VHP का प्रदर्शन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।